शुभमन गिल एक ऐसा चमकता सितारा जिसे शुरुआती दिनों में ही नेक्स्ट विराट कोहली कह दिया गया। यंग एज में ही गिल ने क्रिकेट के मैदान पर कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिसे कई बड़े बड़े क्रिकेटर अपने पूरे करियर में नहीं कर सके। फिर चाहे वो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना हो या फिर ICC रैंकिंग में टॉप पर पहुंचना हो। लेकिन गिल के इस कामयाबी के पीछे उनकी कितनी कड़ी मेहनत है इसके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। गिल को एक नेशनल क्रिकेटर बनाने में उनके पिता का भी बेहद अहम रोल है। आइए इस वीडियो में हम आपको गिल के क्रिकेटर बनने के जर्नी के बारे में बताते हैं। खासकर इस वीडियो में हम आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताएंगे कि आखिर क्यों गिल के पिता उनके बेटे को आउट करने वाले बॉलर्स को पैसे देते थे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको शुभमन गिल का बेसिक इंट्रो जान लेना चाहिए कि आखिर यह स्टार क्रिकेटर कहां से है और उन्होंने क्रिकेट खेलना कहां से शुरू किया। दरअसल गिल पंजाब के फाजिल्का से बिलोंग करते हैं। गिल के पिता लखविंदर सिंह एक किसान थे और उनका सपना क्रिकेट खेलना था, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर पाए तब उन्होंने अपने बेटे गिल को क्रिकेटर बनाने का ठान लिया। शुभमन ने भी बहुत छोटी उम्र से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस दौरान उनके पिता ने भी उनका खूब साथ दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुभमन को क्रिकेटर बनाने के लिए उनके पिता लखविंदर सिंह युवा गेंदबाजों को चुनौती देते थे कि जो भी उनके बेटे को आउट करेगा वे उसे इनाम में 100 रुपए देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि करीब 5 से 6 महीने तक लखविंदर सिंह अपने बेटे के स्किल को इम्प्रूव करने के लिए खूब पैसे खर्च करते रहे। उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि एक दिन उसे कोई आउट नहीं कर पाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, और धीरे धीरे गेंदबाज शुभमन के आगे घुटने टेकने लगे। शुभमन के पिता यही नहीं रुके, आगे वह अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए गांव की खेतीबाड़ी छोड़कर मोहाली शिफ्ट हो गए। मोहाली की क्रिकेट एकेडमी में शुभमन ने एडमिशन लिया। आगे शुभमन की कड़ी मेहनत ने पहले उन्हें अंडर 19 टीम में एंट्री दिलाई, फिर वो विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट भी खेलने लगे। शुभमन के अच्छे दिन तब आए जब उन्हें 2018 अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया, जहां उन्होंने 5 मैचों में 124 की औसत से 372 रन बनाए। इस दमदार खेल के बूते शुभमन ने पहले IPL और फिर भारतीय टीम में भी एंट्री पाई। गिल ने साल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। ये तो थी गिल की भारतीय टीम तक पहुंचने की कहानी, लेकिन चलिए अब जानते हैं भारतीय टीम में आने के बाद गिल ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। अगर गिल के पास सबसे बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो उनके द्वारा वनडे में सबसे तेज 2000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड पहले नंबर पर है। गिल ने यह रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज हासिम आमला को पछाड़ कर बनाया था। आपको बता दें कि आमला को इस आंकड़े तक पहुंचने में 40 इनिंग्स लगी थी, जबकि गिल ने यह कारनामा महज 38 पारियों में कर दिखाया। गिल की दूसरी बड़ी उपलब्धि यह है कि वह वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं। आपको बता दें कि शुभमन ने जब वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था तब उनकी उम्र 23 साल 4 महीने और 10 दिन थी। गिल की तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने इनिंग्स के लिहाज से भारत के लिए सबसे तेज 6 वनडे शतक लगाए हैं। चौथे बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो गिल उन क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने 25 साल की उम्र से पहले एक कैलेंडर ईयर में 5 या उससे अधिक शतक लगाए हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का नाम भी शामिल है। गिल की पांचवी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह ODI रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। गिल से पहले यह उपलब्धि केवल सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली ही हासिल कर पाए हैं। तो ये थी गिल की इंस्पायरिंग स्टोरी। ऐसे और अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।